तो दोस्तों फाइनली वीवो V17 प्रो का ऑफिशियल फोटो लीक हो चुका है, जिससे कि यह कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर और साथ ही में क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड में ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश, जो कि आने वाला है ग्लास बैक के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरे की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है प्राइमरी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 1 सेकंड 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और हमें प्रीवियस स्मार्टफोन रेडमी K20 और अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी XT प्रो में भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल्स के प्राइमरी कैमरे के साथ, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वीवो के एक इमेज लीक्स के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 22.5 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है फन टच OS के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 RAM वेरियंट भी देखने को मिलने वाला है, 6128 और 8128। मैं प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस स्मार्टफोन के बारे में, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों फाइनली इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि बिग बॉस 13 के टीजर में यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था कि वीवो V17 प्रो सितंबर में आने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज होने वाली है वो आपको सितंबर के लास्ट वीक तक देखने को मिलने वाले इंडिया में। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।